Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ऐसे देगी देवी अहिल्या द्वारका रानी के वार का जवाब और बसाएगी अपनी सहेली सारजा की गृहस्थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। द्वारका रानी जो तय करी बैठी है कि मैं देवी अहिल्या को हराऊंगी ही हराऊंगी, अब तलवार से नहीं हरा सकी तो देवी अहिल्या को देवी अहिल्या के इमोशंस से हराऊंगी, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो अपनी सहेली के ऊपर आई हुई विपदा को देख के टूटेगी जरूर, और वही उन्होंने किया और उसी से उन्होंने शुरुआत भी की। इस कड़ी की शुरुआत ही वहीं से हुई। चलिए डिटेल में बात करते हैं कि कैसे देवी अहिल्या न्याय दिलाएगी सारजा को, कैसे निभाएगी अपनी दोस्ती। शुरू करते हैं चर्चा, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, देवी अहिल्या के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ ही पहाड़ हैं, क्योंकि एक तरफ उनको स्त्री शक्ति के लिए फाइट करना है और जो सवाल द्वारका रानी ने देवी अहिल्या के सामने रखे हैं सारजा को लेके, उनके जवाब उनके पास थे नहीं, क्योंकि सारजा ने जो कहा उन्होंने वो सच मान लिया। यही उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि मैंने इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की, मैंने सोचा क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं उनके पति से मिली। मगर उससे पहले ही मालेराव वाला किस्सा हो गया। द्वारका रानी ने अपने सवाल किए और देवी अहिल्या सोचने पे मजबूर हुई, मगर दूसरी तरफ द्वारका रानी का असर सारजा के पति पे दिखाई दिया, दुष्यंत पे, और दुष्यंत ने सारजा को कह दिया कि या तो मैं या फिर तुम्हारी सहेली। यहाँ सारजा तो अपनी दोस्ती पूरी तरह से निभा रही है, अभी भी निभा रही है कि मेरी जरूरत है मेरी सखी को और मैं ऐसे उसको आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाऊंगी, और वो नहीं चाहती उसकी गृहस्थी भी खराब हो, कोई भी नहीं चाहेगा। तो अब यहाँ पे सारजा है मुसीबत में दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, और यही लक्ष्य था द्वारका रानी का। मगर वो ये भूल गए कि यहाँ पे भी देवी अहिल्या की ही जीत होने वाली है, क्योंकि वो कैसे अपनी सखी को ऐसे मुसीबत में छोड़ सकती हैं जिसने उन्हें इतना बड़ा योगदान दिया, उनकी जीत में उनका योगदान दिया, साथ दिया जब कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं था। तो जो देवी अहिल्या है उनको जब ये बात पता चलेगी और सारजा के सामने उनकी बात होगी कि ये हो गया है, तो देवी अहिल्या खुद सारजा के पति से मिलेंगी, खुद सारजा को छोड़ के आएंगी उसके घर और वहां पे उनको समझाएंगी कि ये सारजा जो है आपकी पत्नी है और आपकी क्या जिम्मेदारी है अपनी पत्नी के प्रति। चाहे उनको इसके लिए थोड़ी सी बातें भी सुननी पड़े दुष्यंत की, सारजा के पति की, चाहे उनको ह्यूमिलेशन हो, मगर वो अपनी बात से सारजा का घर जरूर बसाएंगी। और ये एक एग्जाम्पल सेट करेगी कि अगर पति पत्नी के लिए कुछ कर सकता है तो पत्नी भी पति के लिए कर सकती है, दोनों ही बराबर है। तो रानी अहिल्या, देवी अहिल्या अपना काम कर देंगी, मगर द्वारका रानी क्या करेंगे इसके बाद, नया षड्यंत्र। क्योंकि यहाँ पे जो देवी अहिल्या का काम है वो यही है दोस्तों कि वो अपनी सखी का घर उजड़ने नहीं देंगी, क्योंकि उनका पर्पस तो ये था ही नहीं कि किसी भी औरत, जो भी औरत उनका साथ दे वो अपनी मर्जी से दे, और सारजा ने अपनी मर्जी से दिया और अपने पति के कहने पर दिया जो सारजा ने देवी अहिल्या को कहा। अब इतना तो वो विश्वास करती थी अपनी सखी पे, तो अगर उसके पति ने तब परमिशन दे दी, अब वो बोल रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, तब भी देवी अहिल्या तो बोलेंगी बोलेंगी, तो ये सारा कुछ होगा। मगर खुद देवी अहिल्या सारजा को उसके घर छोड़ के आएंगी और वही आदर सत्कार देंगी जो उनकी सखी को, जो उस नारी को मिलना चाहिए जिसने इतना बड़ा युद्ध जीता है। तो इस तरह मिलेगा जवाब द्वारका रानी को। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.